दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने गांव आया हूं, अपने पुराने घर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारी बैठक है। यहां पर एक रूम है। बहुत ज़्यादा गर्मी है गांव में, गांव में क्या, पूरे सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इसका तो कोई हल नहीं, बस गुजारा ही कर सकते हैं। ये हमारे गाँव की गली है। ये पीछे भाई शहजाद की गाड़ी, आगे ये अवैस की। बाकी एक गेट है छोटा सा। चले मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूँ, आपको घर दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? इधर आओ। मोहम्मद यूसुफ, क्या करने आए हो यहाँ पे? अरे कहना क्या चाहते हो? हमजा की बात पक्की पे आए हो? अनस, जी दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे गांव वाले पीर बुखारी कब्रिस्तान। तो आज बहुत खुशी का दिन था, तो बड़ों के पास हम हाजिरी भरने आए हैं यहाँ पर कब्रिस्तान में। ये मेरे पापा की कब्र है और ये मेरे भाई सचात। ये हमारे गांव की ईदगाह है जहाँ पर हम हर साल नमाज पढ़ने आते हैं। ये हमारे गांव में घर है। अंदर से एक ये रूम है सामने वाला, ये हमजा का रूम था किस दौर में। बहुत सी यादें इस घर से। एक ये रूम है, ये सामने किचन, ये हमजा का बेस्ट फ्रेंड जोएब काजी काम में लगा हुआ है माशाल्लाह। और ये दूसरी साइड है हमारा घर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम जहाँ पर मैंने बचपन गुजारा। एक ये सामने रूम है, एक ये वाला रूम। तो ये बस यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता, तो इस तरीके से हो गया। बाकी ये सारे मेरे बचपन के टॉयज हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक रूम ये है, ये मेरे भाई नवीद का रूम है। यहाँ पर भी मेरे बचपन के खिलौने पड़े हुए हैं। ये एहसन आइजल मेरे बचपन का खिलौनों को देखते हुए, ये देखो। यहाँ पर तैयार हो रहा है सालन रोटियाँ। दूसरी जगह पे ये हमारे गुलबनी हैं जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है शायन ने भी। और ये आप प्यारी प्यारी आई सर कुत्ता लगी को जे किया ता तमाम गोतन मैडम के दावत जे ए वाला बैठो पान में। तो बिकरी अवर आलती होने वरी फिर दोबारा की यादावरी करेंदा दे तो जो था बैठा ऊपर भाई कर लावे फादर कर लाया हां अल्लाह 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 मुबारक हो जाए। खैर मुबारक मुबारक। अनीस भाई, अनीस भाई कोल्ड ड्रिंक्स निकालते हुए। एक ये भी दूल्हा है हमारे गांव का, बस पता नहीं इसकी शादी कब हो, पर फिलहाल तो अरसलान आपको, अरसलान आपको मुबारक हो, आपका रिश्ता पक्का हो गया।
बाकी बचा ये ज़ोएब साहब, ज़ोएब की बात पक्की पता नहीं कब होगी। जी दोस्तों, तो आज हम हमजा की डेट फिक्स करके आए हैं शादी की अपने गांव में, और हम अब टर्की पहुंच गए हैं। तो आज का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। तो आगे शादी की तकरीबात भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस, यार लाइक करें मेरे चाचा को।